भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली का कहर बरपा है। आकाशीय बिजली गिरने से दो दिन में 20 लोगों की मौत हो गई। ग्वालियर अंचल में आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हुई है। सोमवार को पिता पुत्र सहित 7 लोगों की मौत हुई थी। अलग अलग जिलों में 7 लोगों की मौत हुई। ग्वालियर अंचल में बिजली गिरने से दो दिनों में 14 लोगों की मौत हुई है। 12 लोग झुलस गए हैं तो अस्पताल में भर्ती किया गया, इलाज जारी। वहीं दतिया में दो चचेरी बहनों की बिजली गिरने से मौत हो गई। शिवपुरी में 3 महिलाओं सहित एक युवक की मौत हुई है। श्योपुर में एक महिला की बिजली गिरने से मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली का कहर बरपा, और खास तौर पर ग्वालियर अंचल में आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हुई है। विस्तार से जानकारी हम लेंगे, संवाददाता प्रहलाद सेन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रहलाद, आकाशीय बिजली का कहर बरपा है और खास तौर पर ग्वालियर अंचल की बात करें तो यहाँ पर 14 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। बिल्कुल जय, आपने ठीक कहा कि बीते दो दिनों में हम बात करें तो 14 लोगों ने बिजली के चपेट में आने से अपनी जान गंवाई है। और इसमें अगर कल की बात करें तो दतिया में दो चचेरी बहनों की मौत हुई है, 3 महिलाएं शिवपुरी में उनकी जान गई है बिजली गिरने से, इसके अलावा एक युवक की जान गई है। तो ऐसे कुल 14 लोग बिजली गिरने से मौत के मुँह में समा गए हैं। 12 लोग झुलसे हुए हैं जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। मौसम वैज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि अगर बादल गरज रहे हों और बारिश हो रही हो तब अपने घरों से आवश्यकता पड़ने पर ही निकलें, अन्यथा आप बाहर निकलने से परहेज करें। दूसरी बात, जो लोग पेड़ का सहारा लेते हैं या ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहां विद्युत टावर हैं या विद्युत कोई अन्य उपकरण है, तो ऐसे लोगों को भी विद्युत जो बिजली गिरने की चपेट में आने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। तो कुल मिलाकर बचने की सलाह दी गई है, लेकिन जिस तरीके का मौसम ग्वालियर चंबल अंचल में बना हुआ है, बारिश बहुत कम हो रही है, बादल छाए रहते हैं, उसके बाद अधिक जो गर्जना होती है, यही वजह है कि जो लोग हैं इसकी चपेट में आ रहे हैं। और अधिकांश लोग वे भी हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं, वो भी बिजली गिरने से मौत के मुंह में समा रहे हैं। जया, तो फिलहाल चिंता की बात है और लोगों को सतर्कता बरतने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल चिंता की बात है और लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी दी गई है, लेकिन सावधानियां रखनी जरूरी है। फिलहाल शुक्रिया आपका प्रहलाद, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में भी आकाशीय बिजली का कहर बरपा है और दतिया में दो चचेरी बहनों की बिजली गिरने से मौत हो गई। दो दिन में 20 लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई।